हेलो गाइस, वन सेकंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए। सो गाइस, मैं लेकर आ गया एक और नई वीडियो एचटीएमएल के ऊपर। सो गाइस, इन दिनों आप लोगों को एचटीएमएल की वीडियोस मिलेंगी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एचटीएमएल की जो सीरीज़ है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके और मैं बना सकूँ या मैं अवेलेबल करा सकूँ आप लोगों के लिए एक एचटीएमएल की फुल प्लेलिस्ट। एंड गाइस, जैसे ही ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, आप लोगों को मुझसे ये वादा करना पड़ेगा कि आप लोग ये जो प्लेलिस्ट है वो अपने सारे दोस्तों के साथ है, सारे टेक्निकल ग्रुप्स में आप लोग इस प्लेलिस्ट को शेयर करेंगे। बिकॉज मेरे इस एचटीएमएल के प्लेलिस्ट में अभी तक 10 वीडियोस हो चुके हैं अराउंड, एंड इन 10 लेक्चर वीडियोस में मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं गाइस, आप लोग को कहीं भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप लोग इसको अगर ढूंढोगे तो आपको साइटेड वीडियोस भी बहुत ही कम ही देखने को मिलेंगी, यानी कि जो साइटेड डेवलपर्स जो होते हैं उन नहीं ये सारे जो वीडियोस हैं, मतलब मेरे जो टॉपिक्स जो बताए हैं वो बहुत ही कम ही देखने को मिलेंगे। टॉपिक्स तो आप लोगों को हर जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो टिप्स एंड ट्रिक्स और जो अंदर की बात जो मैं बताता हूँ गाइस, वो कोई नहीं बताता है। सो गाइस, चलिए आज भी हम लोग जानते हैं एक अंदर की बात, यानी कि एक एडिशनल टॉपिक के बारे में एचटीएमएल से। सो गाइस, हम लोगों ने एक लिंक बनाना सीख लिया कि हाइपरलिंक हम लोग एचटीएमएल में कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ देयर आर सम यूआरएल्स अवेलेबल, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे पास यूआरएल्स अवेलेबल हैं, कुछ एड्रेसेस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लोग एक यूनिक लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ यूनिक लिंक्स जो कि हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या होते हैं। तो गाइज, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लिंक्स विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल हाइपरलिंक्स कॉन्सेप्ट। तो गाइज, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक ऐसा लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिस लिंक को हम लोग उस पर क्लिक करके, और हम लोग ऐसा लिंक कैसे बना सकते हैं जिस पर क्लिक करके कोई भी यूज़र हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे जो है वो कैसे लिंक सेंड कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको करने के लिए। और हाँ, एक और बात गाइस, आज के वीडियो में जैसे कि जीमेल का लिंक हो गया, मतलब ईमेल सेंड करने का लिंक हो गया, या आपका व्हाट्सअप मैसेज सेंड करने का लिंक हो गया, फ़ोन नंबर पे कॉल करने का लिंक हो गया, सारे जो लिंक्स मैं बनाऊंगा गाइस, आप लोगों को पता है कि ये सारे के सारे लिंक्स एंड्रॉयड फ़ोन पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। इसीलिए आज के जो प्रैक्टिकल फाइल्स होंगे वो प्रैक्टिकल फाइल्स मैं लैपटॉप में प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाऊँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो जो प्रैक्टिकल फाइल्स थी वो मुझे अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ यूएसबी केबल, एंड देन मैं आप लोग को मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप लोग को दिखाऊंगा। सो आई होप कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं सबसे पहले रेट को कम कर लेता हूँ, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे नोट पर ओपन करता हूँ। रन डायलॉग टाइप L T E T A T टेक्स्ट ऑफ डेस्कटॉप अनटाइटल डैश नोटपैड टेक्स्ट एडिटर मल्टी लाइन ब्लैंक सॉरी रिस्टोर द अवेलेबल अनटाइटल प्लान मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस बैंक कैप्स लॉक L T T A T कैप्स लॉक टाइप HTML HTML लेस HTML HTML लेस स्लैश HTML HTML ब्लैंक लेस A T A T S ग्रेटर लेस स्लैश A T A T S ग्रेटर ब्लैंक लेस F T A मेटा स्पेस C A R S E T चार्स इज इक्वल क्वोट 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 U P F L 8 कैरेज रिटर्न ग्रेटर then less e t a meta space a e name equals quote 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 v I e t o r t carriage return space o n t n t content equal quote 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 I I d r r d I w double I d t h with equals d e v I c e device double I d t h with space I n I t I a l initial dash s c l e k 110 carriage return greater title less I t l e title greater useful u s e f u l l useful space space l space h y p e r l I n k s hyperlink space I n n caps lock I e m l caps lock h slash t I t l e title greater less slash carriage return less d o d y body greater less slash d o y body greater save कर लेता हूँ। save as dialog file u s e f u l useful line h y p r l I n k s hyperlinks dot html items view list lecture not selected one of two. So यहाँ पे preview level 2 local disk left parent equal right parent items view list my YouTube channels items view list playlist video for edit playlist 1 of 2 items view list HTML selected HTML items view list lecture 4 not selected lecture 10 not selected last lecture हमारा 10 था new folder edit L E C T R E 1 lecture 11 lecture 11 7 of हमारा ये 11 file name colon combo box useful line hyperlink slash notepad text editor edit multi line less slash body greater तो यहाँ पे मैं
बॉडी टैग के अंदर में चलिए अपना कंटेंट लिखना शुरू करता हूं। हमारा कंटेंट क्या है, सबसे पहले हेडिंग लेवल 1, सो लेट्स h1 ग्रेटर, यहां पे लिखता हूं यूजफुल u s e f u l यूजफुल स्पेस स्पेस l u f e s u c r e a t i n g क्रिएटिंग स्पेस u s e f u l यूजफुल स्पेस l i n k s लिंक स्पेस लिंक्स UING using space caps lock on HTML caps HTML HYPRLINKS hyperslash A1 H1 greater less H1 greater create a useful links using HTML hyperlinks less slash H1 greater blank okay then main yahan pe ek paragraph create kar leta hu less H blank paragraph less P greater less slash P greater blank so INNCAS this space PAAPTRACTICAL practical space WEWEITLLL space ये ऐसा शो करेगा। तो ये अच्छा लगता है। Space, return. फिर इस practical will क्या करेंगे? Space, so we will return. Learn. L E A N N R N R N space learn carriage return O 2 space C R E T T. Oho. A T E create carriage return space. We will learn to create. F O L L O W I N G following T Y E S types O F O L I N K S links link space I H with space A E A space A E L L semi semi T T space O F O space caps lock H E M L caps H T M H Y P R L I N K S hyperlink space O N C E T T concept colon. देखिए ऐसा मैंने एक sentence लिख दिया है. Blank. Let's slash blank. In this practical, you'll learn to create following types of links with the help of HTML hyperlinks concept colon. Blank. और यहाँ पे एक पैराग्राफ देता हूँ, सॉरी लिस्ट देते देता हूँ लिस्ट, तो यू एल लेस यू एल एल ग्रेटर, इससे आप लोगों का जो पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएंगे इससे. ब्लैंक लेस एल आई ली ग्रेटर, सबसे पहला मैं देता हूँ यहाँ पे सेंड ईमेल एस ई एन डी सेंड स्पेस ई एम एम ई ई ए आई एल ईमेल स्पेस एल आई एन के एस लिंक्स लिंक स्लैश एल एल स्लैश लेस एस कैरेज रिटर्न सेंड ईमेल लिंक्स कोलन कोलन लेस ली ग्रेटर सेंड ईमेल लिंक्स कोलन Blank. यहाँ पे मैं लिस्ट को एंड करता हूँ. Less slash l I l greater. Blank. यहाँ पे एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ. Less u l l greater. Less slash u l l greater. और यहाँ पे मैं less l I l greater. क्रिएट करता हूँ. W I T H with space. With. E M A I L email space A D E R E S S. Address. Address slash l I l greater. Then. Less l I l greater. तो यहाँ पे देता हूँ W I T H with space E M A I L emails A D D R E S S address space N D and space S U B J E C T subject sub slash L I L greater less L I L greater देता हूँ कि W I T H with space E M A I L emails A D D R E S S address comma space S U B J E C T subject N D and space M E S S A G E message space body O Y I slash L L I Y greater greater I L L L L carriage return less slash L greater carriage return less slash L greater carriage return. तो यहाँ पे एक second less L I L greater. और यहाँ पे लिखता हूँ send WhatsApp. S E N D send space W A A T S A P E WhatsApp space E S S A G E message I T H with space M E S S A G E message T E X T text slash L I L greater. Less L I L greater. S E N D D N E S. Create. C R E A A E R C M A A K A M M A K E make space A A space C A L L call space O 2 space A A space S P E C I F I C specific space. Specific. P H O N E phone space N U M B R number. Num slash L I L greater. So हमारा content ऐसा दिखाई देगा, देखिए मैं यहाँ पे run dialog type the e colon desktop list root local disk y items view list space selected items view list select items view list lecture 11 not select space selected items view selected open karta hu useful hyperlinks in html dekhiye aisa dikhai de raha hamara content heading level 1 create useful links using html hyperlinks in this practical you'll learn to create following types of links with the help of html hyperlinks concept colon list with 3 items bullet send email links colon list with 3 items white bullet with email address white bullet with email address and subject white bullet with email address subject and message body out of list bullet send WhatsApp message with message text bullet make a call to a specific phone number bullet make a तो ऐसा दिखाई दे रहा था, आई थिंक आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा. lecture 11 window items view list useful line okay main useful hyperlinks in html dash google chrome useful line hyperlinks okay so ab yahan se let's slash l greater let's slash p greater carriage with main kaam karta hu ki yahan se main ek heading level 2 bana leta hu theek hai let's h2 greater
S-E-N-D, send, space, E-A-I-L, email, space, L-I-N-K-S. Links. Links, colon, less, slash, A2, H2, greater, less, H2, greater, send, email, links, colon, less, slash, H2, greater, blank. So, यहां से अब हम लोग links बनाना create करेंगे. So, चलिए guys, मैं आज आप लोग को थोड़ा सा link तो create करता हूं, लेकिन एक unique way में, कैसे? आज हम लोग link create करेंगे, लेकिन list के अंदर में create करेंगे. कैसे मैं आप लोग को दिखाता हूं, देखिए, सबसे पहले, less, H2, blank. Less, UL, L, greater. Less slash UL, L, greater, blank. यानी कि सबसे पहले आप लोग को लिस्ट क्रिएट करनी है. अब लिस्ट क्रिएट कर दी तो आप लोग क्या क्रिएट करना पड़ेगा, वन बाय वन आप लोग को लिस्ट आइटम क्रिएट करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम क्रिएट करता हूँ. Less L I L greater. Less slash L I L greater. तो देखिए, blank. मैंने सबसे पहले ऊपर में लिस्ट आइटम का टैग स्टार्ट किया. Less L greater. और ब्लैंक लाइन छोड़ दी. Blank. और एक नीचे में लास्ट में Less slash L greater. लिस्ट आइटम को बंद कर दिया. Blank. अब इसके बीच में हमारा लिंक का कोड होगा और हम लोग बार बार रिपीटेडली ऐसा ही करेंगे जितना हम लोग लिंक क्रिएट करना चाहते हैं. तो मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर में लिंक टैग यानी कि एंकर टैग को मैं स्टार्ट करता हूँ. तो ये रहा मेरा एंकर टैग. Less A A greater. Less less. Less slash A A greater. Blank. Okay guys, इतना मैंने कर दिया. अभी देखिए. Less A greater. Less A greater के अंदर में जाता हूँ. Greater greater. Space. और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ. अब कौन सा एट्रीब्यूट होता है गाइज लिंक के अंदर में हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट लगाते हैं यू आर एल को स्पेसिफाई करने के लिए, बताइए बताइए बताइए. अच्छा, रेफ एट्रीब्यूट. ओके, रेफ एट्रीब्यूट तो आपने सही जवाब दिया, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है गाइज ये बताइए. सो यस, इसका फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस. ओके, जिसे बहुत लोग एच रेफ भी बोलते हैं, बहुत लोग रेफ भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको हाइपर रेफरेंस फुल फॉर्म इसका नाम है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका अलग अलग नाम से इसको हम बुलाते हैं. तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच रेफ या रेफ. अब इसके अंदर मैं गाइस देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले मेल कैसे क्रिएट, मतलब ईमेल सेंड करने का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं. आप लोगों ने गाइस लाइक किसी भी वेबसाइट के अबाउट अस पेज पे जब आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता होगा सेंड ईमेल अस, इस तरीके से आप लोगों को मिलता होगा. तो वहाँ पे क्लिक करने के साथ ही आप लोगों का जीमेल ऐप ओपन हो जाता है और जीमेल ऐप के अंदर में आप लोगों का ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है. तो ऐसा लिंक हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखिए जैसे हम लोग लगाते हैं https://, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि URL में हम ये बता रहे हैं कि हमें इस एड्रेस पे, इस पर्टिकुलर डोमेन नेम पे पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्या मैंने बोला कि मुझे, मैं रेफ एट्रीब्यूट के अंदर में लिखता हूँ https://, यानी कि मुझे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये एस का मतलब होता है सिक्योर, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस लगा देने से ये हो जाता है हमारा सिक्योर, यानी कि SSL इंस्टॉल. SSL का फुल फॉर्म क्या है गाइस, SSL का फुल फॉर्म होता है गाइस सॉकेट सिक्योरिटी लेयर. ओके, सॉरी, सिक्योर सॉकेट लेयर. आई एम सो सॉरी गाइस, SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी कि जो हमारा सॉकेट है उस पर एक सिक्योरिटी का लेयर लगा देता है जिसके वजह से डेटा जो है वो हैक होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है. तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, बट अभी के इतना समझिए गाइस कि HTTPS हम लोग तब लिखते हैं जब हमें किसी वेबसाइट का एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है. ठीक है, और जब हम लोग लोकल फाइल का जब लोग एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं तो हम विदाउट एनी HTTPS कोलन एंड किसी अदर चीज़ के हम लोग डायरेक्टली फाइल का नाम या उसका पाथ लिख देते हैं. ठीक है, लेकिन जब आप लोग कोई ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस लिखना है, लेकिन ईमेल एड्रेस के पहले जैसे www.domain name के पहले जब हम लोग https://लगाते हैं, वैसे ही आप लोग को ईमेल एड्रेस के पहले आप लोग को लगाना है mail2, जैसे हम लोग लिखते हैं ना gmail, ऐसे mail, mail, mail और 2 एक साथ. ओके, तो mail2: और उसके बाद आपको लगाना ईमेल एड्रेस. देखिए यहाँ पे लिखता हूँ mail2: mail2 यहाँ पे बोलता है NVDA. और यहाँ पे मैं अपना ऑफिशियल जो हमारा टेक्निकल DNA का जो हमारा ईमेल आईडी वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. देखिए कैसे, यहाँ पे लिखता हूँ ऑफिशियल टेक्निकल DNA com, हो गया, बस इतना ही काम हमें करना. देखिए okay. और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट मतलब ये इस टैग के अंदर में यानी कि एंकर टैग के अंदर में यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेंड ईमेल, S-E-N-D, send, space, E-M-A-I-L,
email space. W-I-T-A-O-U-T without space. Without S-U-B-J-E-C-T. Subject. Less slash a greater. Send email without subject. इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। Less ref equals quote by colon official dot carriage return greater. और यहाँ पे एक और attribute के बारे में आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखिए, ऐसे पहला attribute मैंने यहाँ पे लिखा था ref attribute, right? Space quote M. Quote space. हमारे hyperlink की facility या features को बढ़ाने के लिए अदर कुछ properties या attributes available होते हैं। उन्हीं में से एक है guys title attribute. टाइटल क्या करता है, अब देखिए टाइटल एट्रीब्यूट जो है हम लोग कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड यही होता है गाइस कि टाइटल एट्रीब्यूट को हमेशा एक इंटरेक्टिव एलिमेंट्स यानी कि जिस पे क्लिक करने पे कोई एक एक्शन परफॉर्म हो, ऐसे एलिमेंट्स पे, ऐसे टैग्स के ऊपर यूज किया जाता है. तो यहाँ पर लिखा हूँ टाइटल. ये क्या करता है गाइस कि टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है कि किसी भी बटन या लिंक के ऊपर में जब हमारे कीबोर्ड का माउस का फोकस जाता है तो वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे वहाँ पे एक पॉपअप शो कर देता है. जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि सेंड ईमेल टू S E N D send space E M A I L email space E O two space T E C C E T T E C H N I C A L technical caps lock on D A caps lock off D N इस तरह से मैं लिख दिया. सेव करता हूँ. अब चलिए इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ. Like useful hyperlinks in HTML dash Google Chrome row useful like. देखिए रिफ्रेश करता हूँ. Useful hyperlink heading level one create new. मैं टॉप में आ गया. अब यहाँ से देखिए मैं टैब प्रेस करता हूँ. जैसे मैंने टैब प्रेस किया. List with one item send email without subject link send email to technical DNA. इस तरीके से मैंने कर दिया. ठीक है, लिंक बना दिया. अब देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जीमेल ओपन हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों गाइस मेरे लैपटॉप में कभी कभी प्रॉब्लम करता है. कैसा प्रॉब्लम करता है, लाइक कभी मेरा मेल ऐप ओपन हो जाता है तो कभी मेरा जीमेल तो अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा. और अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन भी अवेलेबल नहीं है लैपटॉप में. सो मैं अभी इसको स्किप करता हूँ. लिंक क्रिएट हो गया और इस लिंक को मैं टेस्ट करके आप लोगों को अपने मोबाइल में दिखाऊंगा. इस तरीके से हम लोग किसी लिस्ट के अंदर में लिंक क्रिएट कर सकते हैं. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. मैं एक बार आप लोगों को कोड दिखा देता हूँ. देखिए यहाँ से इस तरीके से मैंने लिंक क्रिएट कर दिया. और अगर आप लोगों को कोड दिखाने के बाद भी अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड करिए, खुद से कोड पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, आप लोग समझ जाएंगे. तो यहाँ पे आप सेकेंड एक लिंक बनाता हूँ. ठीक है, less l I l greater less slash l I l greater second list item के अंदर मैं second link बनाता हूँ. कौन सा link होगा वो जिसमें email send होगा technical DNA के पास लेकिन एक specified subject होगा. अब ये थोड़ा सा मुश्किल होने जा रहा है तो ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को easily समझा दूँगा. तो यहाँ पे सबसे पहले link tag लिखता हूँ. a greater less slash a greater plan. मैंने hyperlink लिख दिया. अब इसके अंदर मैं attribute specify करता हूँ. less a greater carriage return greater space ref is equals to a r e f ref equals quote 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 same हमारा होगा mail to colon a i l t o mail to colon. और यहाँ पे email address तो क्या है हमारा email address o f f i c a l official dot dot l a c i f f o o f f i c i a l official official dot t e c h n i c a l technical d a technical at g a i l mail dot o m technical dna at gmail.com. लेकिन इतना हम लोगों ने ऊपर में लिखा था, नीचे में भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है. लेकिन अब यहाँ से शुरू होने वाला है हमारा कुछ एडिशनल चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ. तो यहाँ से आप लोगों को देना है क्वेश्चन मार्क. देखिए क्वेश्चन मार्क देना है आप लोगों को. question. ये वही क्वेश्चन मार्क है जो आप लोग अदर URLs में देखते हैं, लाइक YouTube वीडियो का URL, प्ले स्टोर के ऐप का URL. जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि YouTube का वीडियो शेयर करने पे कैसा आता है, https://www.youtube.com/videos?. ठीक है, इस तरीके से आता है हमारा. कैसे, https://www.youtube.com/watch?v=, और वहाँ पे अजीब गरीब सा कुछ लेटर्स जो होते हैं. सेम URL जो होता है आपका प्ले स्टोर में. कैसे, फॉर एग्जाम्पल टेक फ्रीडम ऐप आप लोगों में से बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा. तो टेक फ्रीडम का मैं जैसे कि दूँ तो https://, तो मुझे याद नहीं है, मैं बोलता हूँ लाइक फॉर एग्जाम्पल https://play.google.com com.get.developers.app.techdeskfreedom. इस तरीके से यहाँ पे आता है.
ठीक है, या अगर कोई ऐप का यूआरएल आता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं टेक्निकल डीएनए का अगर मान लीजिए मैं अगर ऐप प्ले स्टोर पर करता हूँ अपलोड, तो वहाँ पे ऐसे आएगा https://play.google.com:// play.google.com:idequals:com.technicaldna इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए मैं आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, लाइक देखिए ये चीज़ें जो है ना पीएचपी सीखते वक्त मैं आप लोगों को बताना ठीक रहता था, लेकिन मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी चलती है, मेरे दिमाग में चल रही थी। सो मैं जब सीख रहा था तो मैं आप लोगों को अभी से बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क एक क्या होता है, यूआरएल में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाइंड करने का काम करता है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क जो है एक यूआरएल में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाइंड करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने एक पेज बना दिया, उस पेज में मैंने कुछ ऐसा लॉजिक लगाया कि उस पेज में जैसे ही कोई यूज़र आएगा, जैसे ही कोई यूज़र उस पेज के लिंक के थ्रू वहाँ पर पहुँचेगा, तो पहुँचने के साथ ही जो पेज होगा वो देखेगा कि URL में जो URL है, जो एड्रेस है, उसमें कौन से पोस्ट के बारे में जो है बोला गया है या कौन सा पोस्ट स्पेसिफाई किया गया है, उस पोस्ट को लेगा और उस पोस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेगा कि टेबल में जाके, अपने डेटाबेस में जाके, टेबल के अंदर में जाके वो चेक करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन से पोस्ट के साथ मैच करेगा, और जिस भी पोस्ट के साथ वो मैच करेगा वो पोस्ट की पूरी की पूरी डिटेल, पूरा का पूरा कॉन्टेंट पेज पे शो कर देगा, ठीक है। सो अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कर सकता हूँ कि URL मान लीजिए मेरा ऐसा होता https://www.technicaldna.com/blocks?id=3141616 इस तरीके से मान लीजिए वहाँ पे आ जाता है। तो स्लैश ब्लॉक्स क्या है, स्लैश ब्लॉक्स मेरा पेज है, लेकिन क्वेश्चन मार्क id=3141416 इस तरीके से जो आईडी होगी ये होगी उस पोस्ट की आईडी। अब ये 3141416 जहाँ पे मैच होगा वहाँ की जो पोस्ट की जो आईडी है वो यहाँ पे निकाल के दे देगा, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे गाइस, अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि यूट्यूब ने अपने प्रोग्रामिंग में, अपने कोड में बस एक ही पेज लिखा हुआ है, वीडियो प्ले करने का सिर्फ एक ही पेज का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम वहाँ पे पेज का यूआरएल क्या है, https://www.youtube.com/watch नाम का जो पेज है वो वहाँ पे कोड किया हुआ है यूट्यूब के डेवलपर्स ने, और वाच के बाद क्वेश्चन मार्क v=to जो आता है इन्फॉर्मेशन अलग से, उसी के थ्रू उस v=to आगे की जो इन्फॉर्मेशन है उसी के थ्रू अपने डेटाबेस से वीडियो फेच करता है यूट्यूब। तो आज मैंने आप लोगों को यूट्यूब का बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें बता दी, तो वैसे ही यहाँ पे हमें एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन बाइंड करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने क्या कहा कि यहाँ से मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाइंड कर रहा हूँ। अब बाइंड में क्या कर रहा हूँ, तो बाइंड में कर रहा हूँ यहाँ पे माइंड में क्या कर रहा हूँ, बाइंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखिए सब्जेक्ट SUBJECT, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक की हमारी कोडिंग हो चुकी है, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अनाउंस नहीं कर रहा, सिंबल लेवल यहाँ पे ऑल कर दिया सिंबल लेवल। अब सब्जेक्ट इज इक्वल लगाना है, इक्वल लगा दिया। अब इक्वल लगाने के बाद जो हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट होगा हमारा सब्जेक्ट, वो जो टेक्स्ट होगा वो हमारे सब्जेक्ट फील्ड में असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेलो आई एम लक्ष्मण, इस तरीके से मान लीजिए मैं लिखता हूँ हेलो आई एम लक्ष्मण। अब देखिए यहाँ पे तीन वर्ड है, चार वर्ड है, कौन कौन से, हेलो एक वर्ड, आई एक वर्ड, एम एक वर्ड और लक्ष्मण एक वर्ड, ठीक है। इस तरीके से एक एक वर्ड है। अब हर एक वर्ड के बीच में हमें स्पेस डालना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ URL यहाँ पे URL में जो है स्पेस नहीं होता, तो स्पेस तो हो नहीं सकता एड्रेस में। जब स्पेस नहीं हो सकता तो हमें स्पेस की जगह पे, स्पेस के रिप्लेसमेंट के तौर पे हमें कुछ और एडिशनल चीज़ें जो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और वो एडिशनल चीज़ क्या है, %20 नाम का सिंबल, यानी कि
यानी कि URL जब बन रहा था, URL जब URL स्पेसिफाई करने का जब तरीका, जब डेवलपर्स जब खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, जब क्रिएट कर रहे थे, तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि URL में जब स्पेस नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, तो URL में स्पेस की जगह पे हम लोग जो है यूनिकोड्स, ठीक है, यूनिकोड्स जो है उन लोगों ने डाल दिया। अब स्पेस का जो यूनिकोड उन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या डालना सही रहेगा, तो %20 उन लोगों ने डाल दिया, ठीक है। यानी कि अब URL में जहाँ जहाँ मैं लिखूंगा %20 वहाँ वहाँ स्पेस लग जाएगा। तो डोंट कन्फ्यूज, ओके, डोंट बी कन्फ्यूज। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्या, इज इक्वल्स टू आई, सॉरी, हेलो, H-E-L-L-O, हेलो, परसेंट, हेलो, परसेंट, टू जीरो, ट्वेंटी, आई, परसेंट, ट्वेंटी, ट्वेंटी आई, परसेंट, टू जीरो, उसके बाद, फिर उसके बाद, एम, ए एम, परसेंट, ट्वेंटी, ट्वेंटी एम, परसेंट, टू जीरो, लक्ष्मण, एल ए एच एम एन, ठीक है, देखिए, Listener equals quote Michael Cole official dot technical dot mail dot com question subject equals hello percent 20 I percent 20 AM percent 20 Lexman quote greater. इस तरीके से. Blank. Let's slash a greater. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ. Listener equals character for greater space. I E L E. Title equals quote quote quote. S E N D send space. E. M A I L email space E O 2 space. T E C H N I C A L technical caps lock off. Yay. Caps lock off. Blank. और यहाँ पे text लिख देता हूँ कि. E M A I L. Email. L I A M E. E S E N D send space E M A I L email space W I T A O U T without space without sorry without without name. Selected space so space carriage return with dot th with space U B J E C T subject let's send email with object carriage object space U S let's send email with subject save करता हूँ देखिए useful hyperlinks and HTML dash useful hyperlink useful hyperlinks and HTML heading level 1 create useful links using HTML like list with two items send email without subject link send email to technical DNA send email with subject link send email to technical DNA इस तरीके से मैंने लिख दिया ये जो एडिशनल जो बोला ना सेंड ईमेल टू टेक्निकल यानी यही हमारा टाइटल है ठीक है ओके यूज़फुल यूज़फुल आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा लेट्स स्लैश अ ग्रेटर तो यहां से लेट्स स्लैश ली ग्रेटर कैरेज रिटर्न फटाफट मैं क्या करता हूं कैरेज रिटर्न हमारा लेट्स स्लैश ली ग्रेटर प्लान थर्ड यू आर क्रिएट कर रहा हूं ली ग्रेटर लेट्स स्लैश एल आई ली ग्रेटर प्लान यहां पे लिखता हूं लेट्स ए स्पेस ए आर ई एफ रेफ इक्वल्स क्वोट 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 क्या लिखता हूं ए आई एल टी ओ पी मेल टॉप कोलन कोलन पी अरे टॉप नहीं कोलन स्पेस मेल टू कोलन स्पेस लेट्स रेफ इक्वल्स क्वोट माइकल कोलन क्वोट कोलन क्वोट और यहां पे मैं लिखता हूं क्या कि टेक्निकल ऑफिसर डॉट टेक्निकल यूनिट ओ एफ एफ आई सी आई ए एल ऑफिशियल टी ई सी एच एन आई सी ए एल टी एन ए टेक्निकल डॉट एम ए आई एल मेल ओ एम कॉम क्वेश्चन मार्क कॉम क्वेश्चन एस यू डी जे ई सी टी सब्जेक्ट सब्जेक्ट इक्वल्स इक्वल्स और यहां पे लगाता हूं क्या हेलो ए ई एल एल ओ वो मैं सेम ऊपर वाला कोड लिख रहा हूं हेलो परसेंट हेलो परसेंट 20 आई 20 आई परसेंट 20 एम ए एम 20 एम 20 L A X A N लक्ष्मण देखिए यहाँ तक हम लोगों ने लिख दिया अब यहाँ तक अब तो हम लोगों ने सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिया हमें बॉडी भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा तो जब हमें एक URL में एक से अधिक इन्फॉर्मेशन जब हमें बाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि एक के बाद एक एंड का सिंबल लगाते हैं ठीक है तो एंड का सिंबल मैं लगाता हूँ एम्परसेंड का सिंबल शिफ्ट प्लस सेवन से और उसके बाद यहाँ पे मैं सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या स्पेसिफाई करता हूँ बॉडी इज इक्वल्स टू body is equals to I equals I have a query इस तरीके से मैं लिखता हूँ I percent 20 A A B E have 20 I percent 20 A 20 percent 20 query Q U E R Y query इस तरीके से मैं लिखता हूँ देखिए let's slash lead greater let's rep equals quote Michael Cole official dot technical dot mail dot com question subject equals hello percent 20 I percent 20 AM percent 20 Lexman and I equals I percent 20 I percent 20 A percent 20 query quote carriage return okay greater let's slash A A greater और यहाँ पे लिखता हूँ send email with subject and body. S E N D send space E M A I I A M E E M A I L email space I H with space U D J E C T subject A N D and space B O D Y body. Letter of the parent with greater space. T I E title equals quote quote quote. S E N D send space E M A I L email space T O 2 space T E C H N I C A L technical space caps lock off yay caps lock off D N A quote greater space T space L A C I N A C अब यहां से मैं शुरू करता हूं एक नया हेडिंग क्या है लेट्स A2 H2 greater send message on WhatsApp link ठीक है S E N D send space S S A G E message space O N on W H A T S A P E WhatsApp space L I N K
link slash h2 break plus h2 greater send message on WhatsApp link slash h2 break blank. और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लिंक में यहाँ पे ये दे देता हूँ कि और यहाँ पे व्हाट्सएप का यूआरएल आप लोग सब लोगों को पता होगा. ठीक है, आप लोगों ने ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि अपना फ़ोन नंबर का लिंक कैसे क्रिएट करें वगैरह वगैरह. तो ये सारे तो वही वीडियो का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे आपको लिखना है https://wa.me/ उसके बाद यहाँ पे आपको लोगों को लिखना है अपना फोन नंबर विद कंट्री कोड. तो मैं आप लिखता हूँ 91 उसके बाद 7086 इतना लिख देना. अब नंबर के बाद आप लोगों को लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 917,086,525,996 क्वेश्चन. और यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट इक्वल्स. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने बाइंड कर दिया क्या, टेक्स्ट को बाइंड कर दिया टेक्स्ट में क्या. तो आप लोग वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाना है, आप लोग को मैसेज में टेक्स्ट लिखना है. उसके बाद ऐसा ही तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ फ्रॉम टेक्निकल डी एन ए से लिखता हूँ फ्रॉम आई परसेंट 20 AM 20 AM versus 0 from FROM 20 from versus 0 technical DNA TECHNICAL technical 20 technical 20 percent caps lock on DNA DNA caps lock off okay. Carriage quote carriage return itna greater less than a greater plan SENT 10 space MP SSATE message space ON on space WAATSATE WhatsApp. Okay, save it. Now, let's see. Useful hyperlink. Heading level 1, list, send email with subject and not send message on WhatsApp link. और अगर मान लीजिए कि अगर मैं इसको अपने लैपटॉप में ओपन करता हूँ इस URL को या इस लिंक को, तो मेरा जो WhatsApp वेब है वो ओपन हो जाएगा. और वहाँ पे अगर आपका स्कैन नहीं किया तो स्कैन करने को बोलेगा, स्कैन किया हुआ है तो आपका फोकस डायरेक्टली उस चैट के मैसेज बॉक्स में जाएगा और वहाँ पर टेक्स्ट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा. अभी मेरा स्कैन किया हुआ नहीं है WhatsApp वेब के साथ, तो इसलिए मैं इसको नहीं दिखा सकता, मगर मोबाइल में दिखा दूंगा. इस कॉन्सेप्ट के साथ गाइस, इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाऊंगा. जब हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे गाइस, तो आप लोग मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाऊंगा, जो चीज़ से आप एक बहुत ही यूजफुल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही कमाल की. सो प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा. ठीक है, ओके. सो नाउ हमारा ये सारे काम हो गए. अब यहाँ पे मैं एक और लिंक बनाता हूँ जिसमें फोन नंबर आएगा. तो यहाँ पे less a two h two greater make m a a k a m m a a e make space a space c a l l call space l i n k link slash a two greater यहाँ पे less a space a r e f ref equals quote. और यहाँ पे ref मैं यहाँ पे लिखता हूँ. अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने जैसे हम लोग ईमेल एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते थे मेल टू कॉलन, वैसे ही यहाँ पे अब आप लोगों को फोन नंबर स्पेसिफाई करने के लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा टेल कोलन. टेल स्टैंड्स फॉर टेलीफोन. TEL कोलन टेल कोलन. और यहाँ बस अपना फोन नंबर और क्या, यहाँ लिखता हूँ 7 0 8 6 5 2 5 9 0 0 9 9 5 9 9 6 हो गया. कैरेज रिटर्न ग्रेटर less slash a greater blank c a l l call space e o 2 space l a x a n less slash a greater call to laxman. इस तरह के हमने इसको सेव कर देखिए. less r equals quote l colon 7,086,525,996 quote greater call to laxman less slash a greater. हो गया हमारा काम. अब क्या, अब जैसे ही कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा उसका डायल पैड ओपन हो जाएगा और वहां से चाहे तो वो कॉन्टेक्ट को सेव कर सकता है, फोन नंबर को चाहे तो वो कॉल कर सकता है. दैट्स इट. सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. सो गाइस, बाकी की जो चीज़ें हैं मतलब इस यूआरएल में एक ही मतलब हाइपरलिंक का बस एक ही कॉन्सेप्ट बाकी रह गया, जो कि है टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में. सो वो मैं आप लोगों को जल्दी ही बता दूंगा गाइस, मतलब आने वाले वीडियो में बता दूंगा. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे. लेकिन रुकिए, ऐसे कैसे मैं आप लोगों का साथ छोड़ के जा सकता हूँ. मोबाइल में तो एक बार प्रैक्टिकल दिखाना बाकी है ना, चलिए दिख लेते हैं हम लोग मोबाइल में प्रैक्टिकल. तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हमारा जो फाइल है वो वर्क कर रहा है और कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो यहाँ पे मैं गूगल ओपन करता हूँ, मतलब अपना फोल्डर ओपन कर लिया. अभी यहाँ से मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर में और यहाँ से मैं Internal storage.
यहाँ से मैं जाता हूँ अपने उस फोल्डर में जहाँ पे मैंने फाइल को रखा हुआ है सेव करके। यहाँ पे गया और यहाँ पे ये वाली फाइल थी, आप लोगों को याद होगा। ओपन करता हूँ क्रोम में, ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे के सारे चीज़ें आ चुकी हैं। मैं यहाँ पे अपना टॉकबैक का वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे पहला लिंक था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने ऐसा लिंक बनाया था जिसके थ्रू हम लोग जीमेल में हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। इस तरीके से आगे आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है नहीं आया है, यहाँ पे दोनों के दोनों कुछ नहीं आ रहे, एड्रेस आ चुका है। अब दूसरा लिंक ओपन करता हूँ जिसमें हमारा सब्जेक्ट था और एड्रेस था। देखिए यहाँ पे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हेलो आई एम लक्ष्मण, जो कि मैंने यहाँ पे दिया था, बॉडी नहीं आया। ओके, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ये है हमारा सब्जेक्ट और बॉडी यहाँ पे है, आ गया। तो यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे यहाँ पे अब आ गया हमारा हेडिंग सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। तो इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इस पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया आई एम फ्रॉम टेक्निकल डीएनए, और सेंड पे क्लिक करूँगा तो सेंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये तो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग लिंक है, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए और यहाँ से मैं कॉल कर सकता हूँ, देखिए डायल पे क्लिक करूँगा तो हमें डायल हो जाएगा। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा आज की वीडियो, और आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सो गाइस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।